आपका नाम? हो क्या आपकी हकीकत है? किस तरीके से क्या दर्द हुआ और कहाँ तक आप गए थे? मेरे दर्द हुआ था सुबह में 9 बजे, वो आशा आए लेकर गई उधर मनोर में। मेरे को दर्द हुआ लगभग 2 बजे, 1-2 बजे। नहीं नहीं, आप अपने गांव से अस्पताल कैसे गए आप? मैं सारण से गई थी। हाँ, अस्पताल सारण से गई थी। कैसे गई थी? गाड़ी पे बैठ के? हाँ, गाड़ी पे बैठ के। उसके बाद थाना गए डिलीवरी होने के बाद। वहाँ से जाने मनोर अस्पताल में गई ना आप? हाँ, मनोर अस्पताल। फिर वहाँ पे क्या हुआ? उधर डिलीवरी हुआ। फिर वो बोला थाना जाने के। क्यों? ब्लड कम था। हाँ, फिर तो उधर गई तो उधर वो नहीं। थाना कैसे गई आप? एम्बुलेंस बुलाया था। अच्छा, थाना गए? हाँ, थाना ले जाने। फिर उसके बाद क्या हुआ थाना में जाने के बाद? उसके बाद वो बोल रही थी कि ब्लड के बाद बदला ब्लड चाहिए, बोली जाओ नीचे। तो हम लोग नीचे आए। खून आप एडमिट आपको किया या नहीं किया? और क्या डॉक्टर वहाँ बोले, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि जाओ ब्लड लेकर आओ। खून के बदले खून क्या कह रहे थे? बोल रहे थे खून के बदले खून चाहिए। हाँ, फिर आपने क्या बोला? तो मैं बोली खून के बदले खून नहीं दे पाऊंगी, हमारे पास कोई नहीं है। ये मेरा पति है, मेरा साथ दे रहा है, काम भी नहीं चल रहा, हम लोग कैसे करें? तो बोल रही है कि जा नीचे जा, दिमाग खराब करने चलिए। अच्छा, फिर क्या किया? फिर क्या हुआ उसके बाद वहाँ पे थाना? उसके बाद हम लोग नीचे आए, तो वहाँ नीचे आए तो वहाँ से गाड़ी भी नहीं मिल रहा था। बच्चा आपके साथ में था वहाँ पे? हाँ, बच्चा मेरे साथ। हाँ, फिर गाड़ी नहीं मिल रही थी आप लोगों को? गाड़ी नहीं मिली, हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चले। पैदल कितना समय लगा? 1.5-2 घंटा लगा। फिर कहाँ पहुँचे 1.5-2 घंटे में? उसका नाम नहीं पता है। 1.5-2 घंटे में आप कहाँ तक पहुँचे? कुछ फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद तो फिर वहाँ से मैं एक टेम्पू का रिक्शा बुलाई, वो भी नहीं जा रहा था। तो मैं बहुत चिल्लाई कि भैया मुझे छोड़ दो ऐसे सवाल से। तो वो बोला ठीक है, तो लेकर थाने पर गया। उधर थाने वाले से बिल्ली पर्ची बनवाई, तो ले जाकर मनोज छोड़ा। फिर उसके बाद मनोर कहाँ, अस्पताल में छोड़ा या कहीं बाहर? बाहर छोड़ दिया। फिर वहाँ से फिर आपने बच्चे को गोद में लेकर के फिर वहाँ से पैदल आप गए? हाँ, फिर पैदल गए 10 बजे रात को। कितने बजे घर पे पहुँचे? कितना घंटा लगा पैदल जाने के लिए वहाँ से? वहाँ छोड़ा था 7-8 बजे छोड़ा था। और घर पे कितने बजे पहुँचे? घर पे पहुँचे 10:30 बजे। तो और सरकारी दवाखाने में आप मनोर के गई थी तो कुछ उन्होंने पैसे भी आपसे क्या क्या बोला गया वहाँ पे? हाँ, उधर पैसा लिया। कहाँ पे? मनोर में। क्या बोले, कितना पैसा लिया उन्होंने? 3,000 रुपये। किस बात के लिए, कुछ बताया उन्होंने? मुझे तो नहीं मालूम, मेरे आदमी से लिया है ना, मुझसे नहीं लिया, उससे बोला पैसा दे। बोलिए थी और पानी होने थी, तो उसके बाद रिक्शा कराई, गोली लेकर जाओ उसको मनोर छोड़ो। नहीं थी कि मेरे पास एक फोन नहीं है, फोन के बदले फोन मांग रहे हैं, फोन के बदले फोन मांग रहे हैं, इसके लिए आप रिटर्न आ गए। हाँ, बोली नीचे जाओ तुम लोग। आपका नाम? जी सर, सत्ताम हुसैन। क्या कहेंगे, आपके बीवी के डिलीवरी के टाइम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर, हम लोग मनोर तमसई में रहते हैं, वहाँ से मनोर से कागज़ हम लोग बनवाए, कागज़ बना के दिया, बोले 9 में सोनोग्राफी कराना, सोनोग्राफी नहीं हुआ बंदी की वजह से। अब मनोर में फिर गए तो बोले सोनोग्राफी सर करवा दीजिए, तो बोले पालघर जाओ, पालघर के लिए कोई साधन नहीं मिला हम लोगों को। मैं बोला एम्बुलेंस अरेंज कर दो, वो भी नहीं करके दिए, बोले आपको जैसा मर्जी कहे वैसा जाओ। तो डिलीवरी का जब टाइम आ गया, हम लोग गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो डिलीवरी नॉर्मल हो गया वहाँ पे। उसके बाद बोले फोन चढ़वाना पड़ेगा, बोला ठीक है सर, हम लोग गए वहाँ पे। उसके बाद में वो कागज़ बना के दिए यहाँ पालघर आने के लिए, बोले जाके लेके आओ। मैं आया यहाँ पे, मेरे को कागज़ खाली दिए थे। क्या लाने के लिए भेजा था? खून लाने के लिए सर, खून लाने के लिए भेजे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आया,
तो मेरे को नहीं दिए, सैंपल नहीं दिए, यहाँ से खून अपने को नहीं मिला। फिर वहाँ पे गया तो वो बोले हम लोग को थाना जाओ, हम लोग को थाना भेज दिए। वहाँ भी गए, वहाँ पे भी अंदर नहीं लिए, बोले नहीं मेरे पास जगह ही नहीं है। और वो जो लेके गया था एम्बुलेंस वाला वो भी छोड़ दिया वहाँ पे। अमनौर में हम लोग से 3000 रुपया भी लिए वो डॉक्टर साहब जो थे। थाना जाने के बाद थाना जाने के साथ में था छोटा जो वो बच्चे था ना सर, हाँ, तो फिर क्या हुआ? थाने में क्या हुआ? थाने में वो अंदर ही नहीं लिए, खाली गए और वहाँ पे पर्ची दिए, पर्ची दे के उसके बाद बोले जाके खून लेके आओ। वहाँ पे भी हमें बोला मैडम बताइए कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको जहाँ से मर्जी गए वहाँ से लाओ। पहले नंबर तो बोली हूँ कि यहाँ पे पेशेंट भेजने का ही नहीं मेरे पास, वहाँ पे पेशेंट भेजना नहीं। और वो ला के जबरदस्ती एम्बुलेंस वाला हम लोग को वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में हम लोग बाहर गए, कोई कुछ भी नहीं पूछा, हम लोग को बोले जाओ। हम लोग पैदल आए सर, उसके बाद में एक रिक्शे वाले मिले, वो बोले बेटा कहाँ जा, कितने दूर पैदल चले आपने? कितना? लगभग 4 किलोमीटर दूर चले सर। और बच्चा? बच्चा बच्चा ने बच्चा हाथ में लिया था, बैग भी लिया था और बीवी का हाथ भी पकड़ के मैं आया। तो रिक्शे वाले से बोला तो रिक्शे वाला थोड़ा दूर लेके गया, वहाँ पे पुलिस वाले थे उनसे बात कराए तो बोले ठीक है ले जाओ लोगों को छोड़ दो। वो भी 3000 रुपया लिया, मनोर तक छोड़ा। किसने? वो रिक्शे वाले ने। उसके बाद में मनोर छोड़ दिया, वो भी तमसई तक नहीं लेके गया। तमसई से फिर बीवी बच्चे को अपना लेके मैं तमसई गया। वहाँ पे हमारे मालिक ने फिर ला के प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग को भर्ती किए। हम लोग के पास एक भी रुपया नहीं है कि यहाँ का हम लोग चार्ज दे सके, जो पैसा था सब उधर ही हम लोग का खर्चा हो गया। ये बंदी की वजह से हम लोग का काम भी नहीं चलता, कोई भी नहीं है मेरे साथ में, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं बस। मनोर में पैसा, डॉक्टर ने पैसे? हाँ सर, मनोर में 3000 रुपया डॉक्टर, एक बार 2500 रुपया लिए, फिर एक कागज साइन करना हो वहाँ पे 500 मैडम जी लिए। क्या बोल के लिए उन्होंने? बोले आज संडे है, बंदी है, बंदी के दिन पैसा लगता है यहाँ पे। ओ कारण है तुम्हारे ही पेशेंट आए, क्या अवस्था होती है नहीं, क्या चीज़ हकीकत है? वैसे शायद रक्त खूब कमी होता, रक्ता की गरज होती, दुर्मिळ प्रकारचं रक्त होतं आणि ते तातडीने देण्याची गरज होती। तर मग ते आली, जशी आली आम्हाला समजलं की बा बायको भटकून आली आहे, लगेच तिला ॲडमिट केली, रक्ताची सोय केली आणि रक्त काल एक दिलं, आता पण परत एक आणले आणि म्हणजे द्यायची गरज आहे। हिमोग्लोबिन 5 ग्रॅम आहे, तिचं ओ नेगेटिव्ह आहे, तर आता पेशंट स्टेबल आहे। काल जरा अडचण होती, आज बरी आहे। जर ती जर उशिरा पोचली असती तर काय त्याचा परिणाम काय झाला असता? होतात ना, व्हायच्या हाल होतात, तर काही जीवाचा धोका होण्याची शक्यता असते। पण अशी सर्वसाधारण कमजोरी खूप होते ती हाफ लागत, आता पण तरी बघितलं तरी हाफ लागते। डिलिव्हरी झाल्यानंतर तिची धावपळ झाली, 3-3 तास 4-4 तास ती चालत राहिली, त्या बाबतीत आपण काय सांगाल? दुर्दैव आहे, फॅसिलिटी वगैरे चांगली झाली तर बरं होईल असं आहे। त्यांनी पण कसं आहे, कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे म्हणून पण सगळी यंत्रणा पण बिचारी तारंबोळ झाली आहे त्यांचा पण, त्याच्यामुळे त्यांनी काही सुविधा करायचा प्रयत्न केला, कुठेतरी लॅब सगळं असेल तो। मॅडम काय म्हणाल? दिनांक 19/4/2020 सदर पेशंट आमच्या ग्रामीण रुग्णालय मनोर येथे आली, ती सकाळी 10 वाजता तेथे बाळंतीण झाली। त्यानंतर तिची त्वचा ही पिवळी दिसल्यामुळे आपण तिचं हिमोग्लोबिन पर्सेंटेज करून घेतलं व ब्लड ग्रुप करून घेतला, त्याच्यात असे आढळले की तिचं हिमोग्लोबिन पर्सेंट हे 5.5 होतं आणि तिचा रक्तगट हा ओ निगेटिव्ह होता। असे असल्यानंतर आपण बऱ्याचदा अशा पेशंटला आपण रक्त लावतो, त्यामुळे त्या पेशंटला मनोर येथे ब्लड बँक उपलब्ध नसल्यामुळे आपण पालघर येथून रक्त आणण्यास नातेवाईकांना पाठवले, पण पालघरला ओ निगेटिव्ह ब्लड ग्रुपचे भाग उपलब्ध नसल्यामुळे तिला कळवा येथे आम्ही पाठवले, जेणेकरून तिची पुढील ट्रीटमेंट व्यवस्थित होईल। डॉक्टरांनी आरोप केला ते प्रसूती ज्या महिलाची झाली आहे तिने केला, 3000 रुपये डॉक्टरांनी घेतले, त्या बाबतीत आपण काय म्हणतो? त्याबद्दल मला कुठलीही माहिती नाही, व मी चौकशी केल्यानंतर मला असे कळले की सदर महिलेची पूर्ण प्रोटोकॉलनुसारच ट्रीटमेंट करण्यात आलेली आहे।